अभी मैं आपको म्यूजियम की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा हूँ। ये सही बात है, तो आप देखिए इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा तीसरा दिन है नखलऊ में। तो आज हम लोग जा रहे हैं रेजिडेंसी, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से 850 मीटर है, तो जल्द से जल्द चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रेजिडेंसी में क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेजिडेंसी, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं रेजिडेंसी है। इसके अंदर जाने का आपको वीडियो बनाते हुए जाने का परमिशन नहीं है, आप लोग अंदर जाके वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बीच का सीन नहीं दिखाया, तो अंदर जाने का मना है। तो यह है बेलीगारद गेट, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना और मजबूत गेट है, काफ़ी ज़्यादा मोटा गेट है। और यह है मैप रेजिडेंसी का, और ये रेजिडेंसी के कुछ नियम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। ये है फर्स्ट सीन, जो कि आप अंदर आएंगे कुछ ऐसा नज़र आपको मिलेगा। साइड में आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई। यह है कोषागार भवन, और इसमें क्या होता होगा मुझे नहीं पता भैया, आई डोंट नो। हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो कि देखते हैं जो भी होता है वो आपको दिखाते हैं। ये जो घर आप देख सकते हैं, ये वाला, यह है डॉक्टर फेरर का घर। तो भैया पहुंच चुके हैं दूसरी बिल्डिंग में, यह है भोजशाला। मुझे अभी तक नहीं पता है क्योंकि मैंने दूर से देखा है, अभी हम लोग पास चल के देखने वाले हैं। हो सकता है कुछ और, नहीं भोजशाला ही है। तो चलिए इसके अंदर भी आपको सीन दिखाते हैं, जो कि टाइम लैप्स में मैंने लिए हैं 10 गुनी स्पीड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो व्यू आता है, आप जाते हैं जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और आपको इसकी दीवारों की मोटाई आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, अभी इस ज़माने में तो ऐसा बनाना मुश्किल है, और कुछ भी बनेगा भी नहीं इस ज़माने में। किसी भी सरकार की इतना दम नहीं है जो इतना मजबूत बना सके, कि पुराने ज़माने का है भाई, इतना मजबूत तो हो गए। तो भैया तीसरी जगह मस्जिद और इमामबाड़ा, यहाँ जाना मना है क्योंकि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, और ताले का मतलब एंट्री नो एंट्री। तो गाइस दवाई करवानी है, पुराने ज़माने का यह है नेटिव हॉस्पिटल, अभी तो बिल्कुल गिर चुका है, इसकी नींव सिर्फ बची है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अभी नींव के अलावा और कुछ भी नहीं है, दीवारें भी गिर चुकी हैं, और छत का क्या पता भाई, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ पेड़ के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इम्पोर्टेंट बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खास बात और है, यहाँ पर गदर फिल्म की एक जगह पे लोकेशन पे शूटिंग हुई थी, आई डोंट नो वो किस जगह पे शूटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर शूटिंग जरूर हुई थी। अगर लोकेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। ये जगह जब नहीं होती होगी तो क्या ही नज़ारा होता होगा, लेकिन अभी यहाँ का जो नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं, गिरी दीवारें और गिरी छतें आपको हर जगह मिलेंगी, और आपको ऐसा देखने को बार बार मिलेगा। तो देखते हैं सीख स्क्वायर, एक और नई जगह, तो यहाँ पर भी आपको वही नज़ारा, वही दीवारें टूटी हुई गिरी हुई, आपको और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ में आते हैं तो क्या ही मज़े आपको मिलेंगे। मार्टी नियर पोस्ट, एक और नई जगह, सामने ही जगह है ये, जस्ट मैंने आपको दिखाया उसके सामने ही ये है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही टूटी जगह, वही टूटी ईंटें, जो कि आप लोग देख सकते हैं जितना जो गिर चुका है उसकी रक्षा नहीं हो रही अब। किसी जमाने में बहुत बड़ा रसोई घर होता हुआ होगा, लेकिन अभी यहाँ पर छत दीवारों के अलावा और कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं छत के नीचे से आपको धूप नज़र आती होगी, जो आप लोग देख सकते हैं बीच में गेट के बीच में दिख रहा है, हाँ दिख रहा तो होगा। यह है पुराने ज़माने का कुआं, जो कि पानी भरने के काम आता है, और यहाँ पर डायरेक्शन लिखे हुए हैं शौचालय के लिए, संग्रहालय के लिए। ओमिनी का घर, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका आप मैं स्पेशल ये क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओमिनी गाड़ी लिखी हुई, जो कि नाम किसी का होगा, आई डोंट नो, मैं मजाक बना रहा हूँ, ये गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा घर है भाई, मुझे तो ना ही गेट दिख रहे हैं ना ही कुछ दिख रहा है, इतनी छोटी छोटी दीवारें होती होंगी पहले ज़माने में, मुझे तो भाई नहीं लगता, ये घर भी कैसा होगा ये नहीं पता।
ये है म्यूजियम की अंदर की तस्वीर, नाम पढ़ते जाना क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आप वीडियो बनाने के चक्कर में पिट ना जाना, तो आप वीडियो मत बनाना। तो आप लोग देख सकते हैं, नाम भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप रोक सकते हैं उसके बाद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी बिल्डिंगें दिखाई गई हैं जो कि पुराने ज़माने में जिसे क्या कहा जाता था, किसे क्या कहा जाता था, और यहाँ पर काफ़ी सारे लेटर्स रखे हुए हैं, कब किसने क्या किया है और कब किसने क्या नहीं किया, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए एक लेटर है जो कि आई डोंट नो किसने लिखा था, और यहाँ पर सारी पुरानी चीज़ें हैं जो कि पुराने ज़माने में होती होंगी, और ये रेजिडेंसी निगरानी स्तंभ थे जिसे निगरानी की जाती थी। ये आप देख सकते हैं नौबत खाना, ये है आप लोग देख सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। यह है नखलाऊ की मुक्ति की, देख सकते हैं आप कैसे इसकी मुक्ति हुई थी लोगों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने घोड़े सवार राजाओं की लड़ाई आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर रथ देख सकते हैं जो कि एक दूसरे के लिए तलवार खड़े लेकर खड़े हुए हैं, और ये इमामबाड़ा का दृश्य देख सकते हैं। ये हाल ही का नहीं है, ये काफ़ी पुराना दृश्य है, अभी तो वहाँ बहुत कुछ बन चुका है, अभी आपको ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है गवर्नर को झांसी की रानी का पत्र, जो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, झांसी की रानी का पत्र, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ नाना साहिब का उद घोषणा पत्र, और ये देखिए पुराने ज़माने में कुछ ऐसा लगता होगा जो कि जब बना होगा राजाओं का राजमहल, और आप लोग देख सकते हैं पूरा नखलाऊ जो है वो एक ही महल के अंदर घिरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूँ, देखिए पूरा महल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये कुछ ऐसा है, ये पूरा महल था, आप बदल चुका है काफ़ी ज़्यादा नखलाऊ। ये कब्रिस्तान है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें सट मेरी चार्च और कब्रिस्तान यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अभी यहाँ पे काम चालू है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और यहाँ पे जो कब्र हैं उनको सही किया जा रहा है, ठीक ठाक किया जा रहा है, मसाले से बनाया जा रहा है वैसे ही, और इसे सुरक्षित किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई हैं, और ऐसे ही अगर रहती तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती, इस वजह से यहाँ पर काम हो रहा है और सही किया जा रहा है, जो भी पत्थर टूट गए हैं उनको मसालों से भरा जा रहा है जिससे इनका जो अस्तित्व रहे, ऐसे ही जैसे मैं आया हूँ वैसे आप भी आते रहें, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा जो भी सही किया जा रहा है, जो भी पत्थर टूट गए उनको सही रिपेयर किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं कब्रिस्तान है, और ज़्यादा कुछ अभी रहा नहीं है, तो हम भी ले चलते हैं अपने घर को। ये देख सकते हैं किसी की कब्र है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं उसके पीछे भी तोप लगी हुई है, और भी मैं आपको फ्रंट में दिखा रहा था, और ये इसके बैक साइड का है, सामने है म्यूज़ियम और ये पीछे है इसके, ये भी एक शायद कब्र ही है, मुझे नहीं पता क्या है, और ये एक्टिन का पोस्ट पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता भैया। तो एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम लिखे हुए हैं जिसको आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो हमको तो समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए ऐसे ही लगातार आपको अच्छी अच्छी जगहों के वीडियोस दिलाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमारी भी थोड़ी रीच बढ़े।